हमारी ट्रेन सेवक स्टेशन से छूट रही है। सामने हम लोगों को एक टनल बनते हुए नजर आएगा। ये इंडियन रेलवे की और एक प्रोजेक्ट है। सिक्किम की रोंगपो तक की इंडियन रेलवे की कनेक्टिविटी की यह प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 45 किलोमीटर की ट्रैक बिछाई जाएगी और इस प्रोजेक्ट में रहेगा 14 टनल्स, 19 ब्रिजे और 5 स्टेशंस। 2022 तक यह प्रोजेक्ट खत्म होने का टारगेट है। अब हम लोग तीस्ता नदी पार करने वाले हैं। सामने ध्यान से देखेंगे तो कोरोनेशन आर्क ब्रिज नजर आएगी। ये ब्रिज ब्रिटिश जमाने में बनाई गई थी। काफी सारे टूरिस्ट ये ब्रिज को देखने के लिए हर साल आते हैं। हम लोग अभी मालबाजार स्टेशन के सामने खड़े हैं। यहाँ पे एक घंटा टाइम मिला हम लोगों को, चारों ओर थोड़ा घूम के देख लिए। एक घंटा तक रहेंगे, उसके बाद हमारी दूसरी वाली ट्रेन आ जाएगी।
स्टेशन की दूसरी तरफ हम लोग जा रहे हैं, जाने के लिए कोई फुटब्रिज नहीं है, हम लोगों को लाइन पार करके जाना पड़ रहा है। यहाँ पे WDG 4 खड़ी है। हम लोग अभी स्टेशन के दूसरी तरफ आ गए। यहाँ पे चारों ओर चाय की खेती है। डुअर्स में चाय का फलन बहुत अच्छा होता है। हमारी अगली ट्रेन आ गई, इससे हम लोग अभी सफ़र करने वाले हैं। ये एक टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन है जो न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार जंक्शन तक जाती है। ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से सुबह 7:20 को खुलती है और सिलीगुड़ी जंक्शन में इसका डिपर्चर टाइम है 7:40। इसमें 2 2S कोचेस जो कि नॉन AC चेयरकर है, 2 AC चेयरकर और 1 Vistadome कोच है। अब हम लोग Vistadome कोच से ट्रेवल करने वाले हैं। अगले ब्लॉग में Vistadome कोच से हमारी डुअर्स की सैर को आपके सामने रखेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।